बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन अलहयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से बात करेंगे। आज मुझे कुछ कॉल्स भी आईं और हर जो इन्वेस्टर है उसके तहफ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं। हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसने जो अपने सरमाया लगाया था उसका सरमाया उसको वापस मिले। खैर आगे चल के आपको बताऊंगा कि आज मुझे एक और कॉल मौसूल हुई और उस कॉलर ने एक शिकवा किया कि आप कमीशन एजेंटों के मुतलिक तो प्रोग्राम करते हैं लेकिन जहाँ पर जो अच्छा काम हो रहा हो तो आप उसको भी ओब्लाइज करें। मैंने उस कॉलर को कहा जी मैं ओपन फोरम है, किसी भी कंपनी का जो भी मालिक है वो मेरे प्रोग्राम में आए, मेरे सवालात होंगे, उनके जवाबात दे, उसके बाद फैसला फिर इन्वेस्टर्स ने करना है कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि ISMR के बाद अलहयात का बहुत बोलबाला था, फिर अलहयात ने इन्वेस्टर्स को इतना मायूस किया कि 5-6 माह हो गए उनको विड्रावल नहीं मिला और अब कहा जा रहा है जी गुलशन हयात के नाम से एक नया प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। और गुलशन हयात के हवाले से आज मुझे एक और कॉल जो है, एक वो इन्वेस्टर में उसे कहूँ या उसको लैंड प्रोवाइडर कहूँ, उसकी कॉल मौसूल हुई और उसने जो बातें की वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर अलहयात के जो बड़े बड़े कमीशन एजेंट हैं जब इनके पास पैसा आता है तो ये अपनी औकात भूल जाते हैं। मुझे एक शख्स ने फ़ोन किया, इन्वेस्टर था, छोटा सा इन्वेस्टर था, और उसने शिकवा किया जी कि समीर जदून जो अपने आप को बहुत बड़ा हेड कहता है लेकिन वो रात को अक्सर शराब पीकर उससे जो सवाल किया जाए तो वो बकवास करता है और उसने एक कंपनी के मालिक के मुतलिक उसकी फैमिली के मुतलिक भी बड़ी बेहुदा बातें की हैं। उसको वॉइस नोट भेजा गया है, मैंने उसको कहा कि जी आप मुझे वॉइस नोट फॉरवर्ड कर दें तो मैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वॉइस नोट में इस कदर बेहुदा जबान इस्तेमाल की गई है। तो मैं समीर जदून से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास रब ने आपको पैसा दिया, आपने लूटा, लेकिन आप इस तरह दूसरी कंपनी के मालिक को अगर बेहुदा अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, उसकी फैमिली के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए ताहिर नसीर के पास बहुत कमीशन एजेंटों के वीक पॉइंट है, स्पेशली खवातीन के हवाले से जो उनको यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने आज तक किसी खातून की ना तो तस्वीर चलाई ना मैंने किसी खातून का वॉइस तौर चलाया, क्योंकि मेरी जो जंग है वो कंपनीज के खिलाफ है, मेरी जंग कमीशन एजेंटों के खिलाफ है। तो समीर जदून आपसे मुखातिब हूँ, आप इस हवाले से अपना मौकफ देना चाहें तो लाइव प्रोग्राम में आप आ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप इस तरह की बेहुदा बातें इन्वेस्टर्स के मुतलिक और कंपनीज जो मालकान, देखे आपका जो कंपटीटर है वो अपनी जगह, लेकिन उसकी फैमिली के ऊपर जब आप इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे बेहुदा, और वो भी जब आप अपने होश में नहीं होते उनको तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो ये ना तो आपके लिए अच्छा होगा। ये आप अपनी तरबियत के मुतलिक बताते हैं कि आपकी तरबियत क्या है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि समीर जदून नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की हरकत किसी कंपनी के मालिक के खिलाफ या किसी इन्वेस्टर्स को उसको वॉइस नोट नहीं करेगा जिसमें वो एब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आते हैं गुलशन हयात के ऊपर। मुझे आज एक लैंड प्रोवाइडर की फोन आई, उन्होंने कहा जी कि जानजेब आलम ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया है 380 कनाल का, तो आप मुझे बताएं क्या जानजेब आलम पैसे देगा। तो मैंने उस लैंड प्रोवाइडर का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कि ज़ाहिर बात है प्रोग्राम देख रहे होंगे अलहयात वाले भी। अब मेरा साथ तो है इन्वेस्टर्स के साथ कि जिनकी रकम डूबी है, मेरी कोशिश है कि किसी तरीके से जानजेब आलम इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दे। पहले जानजेब आलम कहता था रिफंड पॉलिसी अपनाएं, जब लोगों ने रिफंड पॉलिसी ली तो अब उनको टाइम दिया जाने लगा कि 3 माह में आपकी पेमेंट क्लियर की जाएगी। दूसरी जानब जानजेब आलम कह रहा है, दावा कर रहा है कि गुलशन हयात का जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों को पैसे वापस करेंगे। अच्छा उस लैंड प्रोवाइडर ने कहा जी 380 कनाल का मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ है जो मेरी लैंड थी और इस हवाले से मुझे कुछ पेशकी अमाउंट भी देगी। तो मैंने उस लैंड प्रोवाइडर से कहा जी आप बताएं आपको जो पेशकी अमाउंट देगी, क्या आप समझते हैं कि जानजेब आलम आपके साथ जो मुआहदा कर रहा है वो आपको रकम देगा। तो उसने ये कहा जी मुझे गारंटी के तौर पर कुछ चीज़ें भी मेरे पास उन्होंने रखवाई हैं और कहा है जी कि आपको अगर हम पैसे नहीं देते तो आप ये जो चीज़ें हैं जो लैंड है, क्योंकि जो जानजेब आलम के साथ पास प्रॉपर्टी है, आप वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके भी आप अपनी रकम पूरी कर सकते हैं। अब जो 380 कनाल लैंड का MOU साइन हुआ है, देखते हैं कि जानजेब आलम दावा कर रहा है कि 1 जून से तमाम इन्वेस्टर्स को
उनका जो विड्रावल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस बात में कितनी हकीकत है, वो लैंड प्रोवाइडर अगर मुझे एग्रीमेंट सेंड करेगा तो उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूंगा और आपको बताऊंगा कि गुलशन हयात क्या वाकई ही गुलशन आबाद होगा या ये गुलशन मुर्दा रहेगा, इन्वेस्टर्स चीखों पुकार करेंगे। इस हवाले से आइंदा एक दो दिनों में इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। अगले प्रोग्राम तक ले मेरे मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।